हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप अपने एक वीडियो के नीचे एनिमेटेड बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जाके एनिमेटेड, ताकि वो आपको किसी भी बंदे का, आपका जो यूट्यूबर है आप हो और बंदा को आपका वीडियो देख रहा है तो उसे बोरिंग ना लगे, उसे मजा आ जाए कि हाँ भाई बंदे ने कुछ नया किया है। तो यह आपको क्या करना, आपको करना, आपका काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाके आपको कोई भी कलर आपको चॉइस करना है, कलर आपको जिस समय आप मालूम है क्या सेट करना है, आप हर यूट्यूबर जानता है, तो आप वहाँ सेट कर सकते हैं। सेट करने जाते आप जैसे मैं ग्रीन किया है, अब मुझे ग्रीन पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मैं येलो कर दो या फिर रेड कर दो, जो मुझे पसंद आएगा सर, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको क्या करना है, फिर वापस स्टार्टिंग में आके आपको लेयर पे आके आपको टेक्स्ट पे आना, टेक्स्ट पे आके आपको अपने जो चैनल का नाम डालना है या नाम डाल सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब डालना है, सब्सक्राइब डालना है, फॉलो डालना है, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं, आप खुद का नाम डालना है तो आप खुद का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं लेता हूँ डिकॉन टेक, जो मेरा चैनल का नाम है, मैं वहीं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये डिकॉन टेक हो गया, अब ऐसा और एक डिकॉन्टैक्ट डाल देता हूँ मैं। सॉरी थोड़ा वर्डिंग पे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये डिकॉन्टैक्ट, क्योंकि घर घाई घाई में ऐसे होता है क्योंकि वीडियोस अगर डिले हो जाए तो आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे, तो मैं उस टाइम बचाने चक्कर में थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाती है। तो अगर आपको तो लगे मेरी गलती हो जाए मुझसे कुछ, तो सॉरी माफ़ करना मुझे, अगले नेक्स्ट स्टूडियो में इसको सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड भी बहुत सारे आ रहे हैं वो मैं जानता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्या मैंने ओके कर दिया, अभी ओके करने के बाद क्या करें, हम इसको ऊपर ले लेंगे, हम उसको ऊपर ले लेते हैं, ये इस तरह कुछ, ये हमने ऊपर ले लिया है, ऊपर लेना उसको क्या करें, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बोलना फॉन्ट चॉइस करते हैं, कोई भी आपको जैसा आपको अच्छा लगे फॉन्ट, आपको कर्सिव लेना है, आपको ब्लॉक लेना है, बोल्ड लेटर लेना है, आप बोल्ड लेटर ले सकते हो जैसा आपको लेना। जैसे मैंने अभी रोबोटिक ब्लैक इटेरिक लिया, तो मुझे ये पसंद आया क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखने में बड़ा भी है और गुड लुकिंग है और सिंपल है पढ़ने के लिए वालों के लिए, तो मैंने ये कह दिया। अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में एक तीन डॉट है, वहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सबसे ऊपर टॉप में आएगा डुप्लीकेट, तो आपको वो डुप्लीकेट चॉइस करना है। मैं ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक हो गया, ये अभी हमारा सेट हो गया पूरा ब्लैक। आप ग्रीन में तो ग्रीन ले सकते, रेड तो रेड सकते, मुझे ब्लैक लेना है तो मैं ब्लैक ही लूँगा, तो मुझे ब्लैक सूट कर रहा है येलो पे, तो ब्लैक मुझे, तो आप देख सकते हैं डी डॉट पे ओके डुप्लीकेट आ गया। ऐसे डुप्लीकेट करते हैं आपको ये फुल जो पेज है, आपको फुल जो ले वीडियो प्रिंट पेपर है उस पर आपको भरना है, तो एक एक करके थोड़ा भर देते हैं, ये भर दिया। तब तक क्या करो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो आता रहूँ। आप लोग क्या करते हैं, गलती ही आपकी होती है कि आप लास्ट वीडियो देखते नहीं हो, फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमें, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है आपको कमेंट्स में। आप ऐसा नहीं कि आपको समझाओ नहीं कमेंट्स पर, कमेंट्स को समझाओ, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देख ले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, लोग मेरे एक मिनट के दो मिनट के स्टार्टिंग वीडियो देख लेते हैं, लगता है हम सब कुछ सीख लिया और लास्ट में गलतियाँ कर बैठते हैं, और यही हर बार मेरे साथ हुआ है, हर वीडियो में मैं हुआ है, जब तक मैं लोगों पूरा देखा नहीं, पूरा देखा ही नहीं हमने और आधे में छोड़ देते हैं। तो दिक्कत यही है कि आप जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको पूरी पढ़ाई करना है फिर आपको ज्ञान मिलेगी। क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ फिर ज्ञान देता हूँ, मैं बिगड़ बिगड़ पड़े किसी को समझाता नहीं, मैं पहले खुद समझ लेता हूँ क्या चीज़ है फिर आगे दूसरों को समझाता हूँ मैं। तो देख सकते ये चीज़ हो गया हमारा, अभी हम क्या करेंगे इसे, आप देख सकते नीचे वापस से लेफ्ट में देखो चौथे नंबर पे एक स्क्रीनशॉट दिया, तो आपको कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर, ये क्या करेगा, आपको एक फोटो क्लिक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वो नीचे लेयर में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया, अभी आपको क्या करना, आपने जितने भी पेस्ट किया हुआ है डिकॉन टेक को आपको धीरे धीरे टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो क्या करते हैं हम डिलीट कर देते हैं। आपको नहीं समझा तो आप मैं कमेंट में बताइए कैसा वीडियो लगा वो बताना मुझे, और आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो वो भी बताना, मैं आपको उसका जितना हो सकता उतना फास्ट एंड फास्ट सर्विस दूंगा आपका। तो ऐसा हम धीरे डिलीट मार दिया, अभी सब क्या होगा, अभी आपको जो आपका स्क्रीनशॉट है डिकॉन टेक नाम लिखा वाला, उसको आपको थोड़ा जूम करना है, और जितना हो सके आपको जितना अच्छा लगे वैसा, तो आप जूम जूम कर लेता हूँ लिमिटेड, और स्टार्टिंग में रखना है आपको डिकॉन टेक जहाँ से हम स्टार्टिंग जहाँ से आपको स्टार्टिंग में लिखे करना है। हम क्या अगर जूम करते हैं तो बीच का भाग आता है, साइड का भाग ऐसे ही रहता है, तो हमको वो जूम को लास्ट तक पीछे खींचना है स्टार्टिंग से। खींचने का क्या करना, आपको राइट हैंड में देख सकते हैं आप लेफ्ट में एक आपको देख सकते की है, ओके पे ओके करना है, और लेफ्ट हैंड में आपको पेज के लिए एनिमेशन का प्लस पे ओके करना है। प्लस में ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो जो लेयर है उसको धीरे धीरे नीचे स्लाइड करना है, ताकि ऐसा ये रनिंग एनिमेटेड होता रहेगा। तो आपको ये चांस फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको एनिमेट कराना है, ये मैं हो गया एनिमेटेड लास्ट तक, अभी हम प्ले करेंगे, ओके करेंगे प्ले करेंगे, तो देखो इस तरह से आपका काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही बेकार लगता है, मैं खुद में तजुर्बा बोला मेरा खुद का, मैं बहुत बार जो वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड खाली रहने से मुझे इतना शाय फील होता है कि क्या यार बैकग्राउंड बहुत बेकार है, लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखते थे। तो इससे क्या होगा, आपके लोग वीडियो देखने के इंटरेस्ट लेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा, कुछ नयापन देखने मिलेगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।
और आगे भी आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मुझे छोड़ के ना जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।